हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट एक्सचेंज मॉडल नॉट शोइंग। तो फ्लिपकार्ट में आपको एक्सचेंज मॉडल यहां पे शो नहीं कर रहा है, तो यहां पे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग जीमेल ओपन करेंगे और जीमेल के थ्रू ही रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको। बस सेम टू सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे नेम का कॉलम, उसमें आपको अपना पूरा नाम लिख देना है जो भी आपका नाम है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देके लिखना है नंबर का कॉलम। नंबर के कॉलम में आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वेस्ट का कॉलम। रिक्वेस्ट के कॉलम में जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ वही सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्लिपकार्ट एक्सचेंज मॉडल इज़ नॉट शोइंग, प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। इतना आपको यहाँ पे लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना है थैंक्स एंड वार्म रिगार्ड्स। इतना आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद हम लोग ऊपर सब्जेक्ट के कॉलम में लिखेंगे उसी से रिलेटेड एक्सचेंज मॉडल नॉट शोइंग इशू। इतना आपको यहाँ पे लिखना है। ये सब कुछ लिखने के बाद सबसे लास्ट में फ्लिपकार्ट की जीमेल आईडी लगेगी, वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया है तो देख सकते हैं ईमेल आईडी। इसी ईमेल आईडी पे आपको अपना ईमेल ये सेंड करना है, लेकिन सेंड करने से पहले आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ईमेल में कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। इसलिए ध्यान से पूरा ईमेल चेक करना है और चेक करने के बाद आप यहां पे एरो आइकॉन पे क्लिक करके अपना ईमेल फ्लिपकार्ट को सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के बाद यहां पे आप अपना ईमेल चेक कर लेना है कि यहां पे आपने जो ईमेल सेंड किया है वो ऑलरेडी सेंड हुआ है या नहीं। कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। यहां पे जैसे ही आप एरो आइकॉन पे ईमेल सेंड करने के लिए क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको थ्री लाइन पे जाना है और थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको सेंड का ऑप्शन देखने मिलता है, उस पर क्लिक करना है और चेक कर सकते हैं कि आपका ईमेल सेंड हुआ है या नहीं। वहाँ पे अगर सेंड हो चुका है तो आपको रिप्लाई भी आ जाएगा 5 to 10 मिनट्स के अंदर कि आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हो चुकी है, और 24 आवर्स के अंदर मैक्सिमम आपका एक्सचेंज मॉडल जो शो नहीं हो रहा है वो इजीली शो हो जाएगा। ये है पहला ऑप्शन जहाँ पे आप जीमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बात करूँ सेकेंड ऑप्शन की, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से बात करना है और आपको बताना है यहाँ पे एक्सचेंज मॉडल शो नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर भी पूछ लेना है। जो प्रोसीजर आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके वहाँ से भी आप शो करवा सकते हैं एक्सचेंज मॉडल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पे आपका एक्सचेंज मॉडल शो हो गया है, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।